हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 के अंतर्गत जो आपका अपकमिंग भर्ती आने वाली है अक्टूबर से दिसंबर के बीच। ठीक है, तो इसमें आपका अप्रेंटिस को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा आप लोगों के सामने, बहुत बड़ा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। कि बहुत सारे छात्र हमेशा बोलते हैं कि रेलवे से अप्रेंटिस मत करो, रेलवे से अप्रेंटिस करके फायदा नहीं है, और रेलवे अप्रेंटिस ही एक जरिया ऐसा है जिसमें अगर आप -1 नंबर भी ले आते हो ना, तो आपको रेलवे ग्रुप डी में नौकरी मिली है। पूरा पुख्ता प्रूफ आप आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने रखेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं वो लोग के लिए तो बहुत अच्छी खबर है ही, और साथ में जो आने वाला टाइम में अप्रेंटिस करेंगे वो लोग भी पर्टिकुलर अप्रेंटिस कर सकते हैं। इसमें कोई भी वो बात नहीं है कि नहीं, अप्रेंटिस करने से आप बेनिफिट नहीं मिलेगा, बहुत बेनिफिट है डियर। अब देखिए, वो अलग बात है कि अप्रेंटिस करने के बाद हम बेनिफिट नहीं ले पाए, वो अलग बात है, परंतु अभी भी रेलवे आपको बहुत बेनिफिट दे रहा अगर आप रेलवे एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट है तो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो प्रीवियस भर्ती आया था कैसे उसमें -1 नंबर पे छात्र को नौकरी मिली है। सोच लीजिए, -1 नंबर पे। देश का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो आपको -1 नंबर पे नौकरी देता है, परंतु रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लिए हो तो आपको -1 नंबर पे भी नौकरी मिली है। आज पूरा प्रूफ के साथ आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हो या फिर आईटीआई पास कैंडिडेट हो, अप्रेंटिस के बारे में सोच रहे हो, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि अप्रेंटिस के बाद आपको कौन कौन सी बेनिफिट मिलेगी, कौन कौन सी सुविधा आपको रेलवे देगी, इसके बारे में आपको आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़ी पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से जरूर वहां पर ऐड हो जाएगा ताकि हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पर देखने को मिलते रहता है। देखिए, वीडियो को सही से समझिएगा, एंड तक बने रहिएगा तो ही इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। अगर स्किप करिएगा, आधा अधूरा देखिएगा, तो फिर जैसा अभी इंफॉर्मेशन देंगे वैसा पूरा यूट्यूब पे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए, आप लोगों को पता है कि 2019 में भर्ती आता है रेलवे ग्रुप डी का 1,03,000 से ज्यादा पद पर। ठीक है, जिसमें सीसीए को कितना कोटा मिलता है, तो भैया 20,000 जो सीट है वो सीसीए के खातों में डाला जाता है, जिसमें 20,000 सीट पर सीसीए का नियुक्ति नहीं हो पाता है क्योंकि रेलवे को कैंडिडेट नहीं मिल पाता है। कैंडिडेट क्यों नहीं मिला, क्योंकि इसमें एक आपका क्रिटेरिया जारी किया गया था कि 12 अप्रैल 2019 तक जिसका मार्क्स आ गया है या फिर जिसका एग्जाम कंडक्ट हो गया है रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के अकॉर्डिंग, उन सभी कैंडिडेट को यहां पे सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी था, बाकी कोई कैंडिडेट यहां पे एक्ट अप्रेंटिस के श्रेणी में नहीं आते। तो इसके कारण बहुत कम ही कैंडिडेट, लगभग यहां पर बात करेंगे तो 20,000 सीटों पर मात्र यहां पर 18,000 के समथिंग कैंडिडेट जो है एक्ट अप्रेंटिस वाले उनको मिले थे। ठीक है, अब यहां पर एक कैंडिडेट का आपको यहां पे पूरा जो है मार्क्सशीट जो उनका आया, जो रिजल्ट आया, वो पूरा सिनेरियो आपके सामने यहां पे रखे हैं। तो ये जो आपका रिजल्ट आया था आरआरसी ग्रुप डी के अंतर्गत, वो आपका आरआरबी पटना के तरफ थे के तरफ से था, ईस्ट सेंट्रल रेलवे ईसीआर की तरफ से। ठीक है, इसमें टोटल अगर बात करेंगे तो हम ज्यादा यहां पे आप लोगों को नहीं बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ यहां पे आप नजर डालिए कि यहां पे प्रो रेटेड मार्क्स कितना है 100 में। तो प्रो रेटेड रॉ मार्क्स यहां पर आया है -4। ठीक है, -4.42177, यहां पे -4 नंबर पे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और उसके बाद नॉर्मलाइज होके ये नंबर हुआ है 19। कितना नॉर्मलाइज होने के बाद ये नंबर हो गया है 19.54968। ठीक है, उसके बाद यहां पे लिखा गया है सीसीए कैंडिडेट, तो यहां पे किया गया है यस, और आज के डेट में ये कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी ईसीआर पटना के अंतर्गत अपनी नौकरी कर रहे हैं। अब आप ही सोचिए कि -4 नंबर आने वाला विद्यार्थी भी, वो अगर रेलवे अप्रेंटिस छात्र है तो वो नौकरी कर रहा है, तो फिर आपको ये मौका क्यों नहीं मिल सकता है। और प्रो रेटेड नॉर्मलाइज मार्क्स में देखिए 19 नंबर आया है, जबकि सीसीए का कटअप का बात करेंगे तो अनरिजर्व में 40 नंबर, ओबीसी एसटी एससी में 30 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। अब आपको इसके पीछे का पूरा कहानी आपको बताएंगे कि आखिर -4 नंबर लाने के बाद कैंडिडेट का कैसे सिलेक्शन हुआ रेलवे ग्रुप डी में, और वो कैसे उनको नौकरी मिली, इसके पीछे का पूरा कहानी, पूरा गणित आपको समझाते हैं। तो 20% कोटा के पीछे का क्या राज है, देखिए नाम के लिए मात्र 20% है, परंतु इसमें आप लोग को सुविधा बहुत मिलता है। कैसे, देखिए
यहाँ पे दो आपका 2019 में भर्ती आता है, 20% जो कोटा है वो ग्रुप डी को मिला, ग्रुप डी में मिला साथियों को, सीसी वालों को, जिसमें से टोटल यहाँ पे सीट था 20,734 सीट था, परंतु कैंडिडेट कितने अप्लाई किए, मात्र यहाँ पे 18,393 कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई किए थे जो एलिजिबल थे एक्ट अप्रेंटिस। हालांकि अभी तो संख्या ज्यादा हो गया है, फिर भी अभी आपको भी उतना कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सिनेरियो समझिए कि 20,700 सीटें और 18,393 कैंडिडेट ने टोटल यहाँ पे अप्लाई किया था। उसके बाद बात करते हैं कि जो पहले अप्रेंटिसशिप होता था, आज से लगभग अगर बात करें तो 5 साल 6 साल 7 साल पहले जो अप्रेंटिसशिप होता था उसमें आपका स्किल इंडिया नहीं होता था, जिसके कारण उनका एग्जाम होता था, प्रैक्टिकल होता था, जिसके कारण कैंडिडेट का मार्क्स जो है एनएससी का, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट का, वो थोड़ा कम मिलता था, 60% 70% 80% यहीं तक मिलता था, 80 से ज्यादा नहीं जाता था, जिसके कारण बहुत सारे जो कैंडिडेट थे रेलवे ग्रुप डी का कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। परंतु जब से यहां पे स्किल इंडिया आ गया है तब से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को यहां पे 95 से लेकर 98% नंबर उनको रेलवे अप्रेंटिस में मिलता है, एनएससी में मिलता है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट में मिलता है। जो कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिस ज्वाइन कर लेते हैं, पहले एग्जाम होता था, अब उस एग्जाम को हटाकर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल कर दिया गया है, और प्रैक्टिकल में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को 90+ मार्क्स मिलना एकदम 100% तय है, 90% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आप समझिए कि कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। आपने मान लीजिए आप एग्जाम दिए, आपका यहाँ पे नंबर आ गया भैया -2 नंबर, या फिर हम -4 नंबर ही ले लेते हैं, जिसका पर्टिकुलर मार्कशीट हम आपको दिखाएं, -4 नंबर आपका यहाँ पे 100 में, आप यहाँ पे एग्जाम दिए, आपका नॉर्मलाइज हो गया -4 नंबर आपका आया नॉर्मलाइज होने के बाद, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए, -4 नंबर आया, अगर यहाँ पे ITI सिर्फ पास कैंडिडेट होंगे या सिर्फ 10th पास अगर फॉर्म अप्लाई किएंगे तो वो तो भैया रेस से बाहर, वो सीधा रिजेक्ट हो गए, वो सीधा रिजेक्ट हो गए। परंतु अगर आप एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट है तो देखिए -4 कैसे आपका 35 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, देखते रहिए। यहाँ पे आपका नॉर्मलाइज होके आपका आया -4 नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है सीसीए का वो कैसे बनता है, तो सीसीए का कट ऑफ बनता है कि एनएससी का 1/3 लिया जाता है, क्या एनएससी का 1/3 मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट में जो आपका मार्क्स आया होगा उसका 1/3 लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका सीबीटी में नंबर आएगा उसको जोड़ा जाता है, उसके बाद आपका कटअप तैयार किया जाता है। हालांकि यहाँ पे 2/3 भी लिया जाता है, पर 2/3 से कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। आप समझिए ध्यान से, किसी कैंडिडेट का -4 नंबर है सीबीटी में, इसको अभी साइड रखिए। अब यहां पे बात करते हैं कि एनएससी में जब आप रेलवे से अप्रेंटिस किए तो आपको प्रमाण पत्र में भैया मिला कितना नंबर, तो हम यहां पे मान के चलते हैं कि आपको जो प्रमाण पत्र में नंबर मिला वो 96% मिला, ठीक है। आप अब 96% आपका नंबर मिल गया, इसका 1/3 नंबर डायरेक्ट मेरिट में जुड़ता है, तो यहां से आपका कट के कितना आ गया 32 नंबर, डायरेक्टली यहां से आपको 32 नंबर रेलवे दे दिया, 32 नंबर डायरेक्ट आपको मिला, ठीक है। 32 नंबर आपको यहां से एनएससी के थ्रू मिल गया। अब बात करते हैं सीबीटी में आप कितना नंबर लाए, तो सीबीटी में आप यहां पे -4 नंबर लाए जो नॉर्मलाइज होके आपका 19 नंबर बन गया। आप लोगों ने देखा कि नॉर्मलाइज होने के बाद जो -4 नंबर था वो 19 नंबर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हम मानते हैं कि यहाँ पे -4 19 में कन्वर्ट हो गया, तो 32+19 कर दीजिए, यहाँ पे सीधी सीधी बात है, तो कितना हो जाएगा भैया, ये हमारा हो जाएगा 41 नंबर। अब बताइए -4 से सीधा यहाँ पे कन्वर्ट हो गया 41 नंबर पे, और सीसीए का कट ऑफ कितना गया था, तो अनरिजर्व में 40 नंबर गया था और ST SC OBC में 30 नंबर गया था। अब आप बताइए कि दुनिया का कोई है ऐसा संस्थान है, कोई है ऐसा डिपार्टमेंट जो -4 नंबर को 41 नंबर में कन्वर्ट करके आपको नौकरी देता है, फिर भी स्टूडेंट बोलते हैं कि रेलवे अप्रेंटिस करके फायदा नहीं है। अरे भैया जब आप रेलवे अप्रेंटिस किए, जब आप रेलवे अप्रेंटिस का बेनिफिट ही नहीं उठा पाओगे तो इसमें रेलवे का क्या दोष है, इसमें रेलवे क्या करेगी आप बताओ। रेलवे तो आपको अपॉर्चुनिटी दिया ना, 18 में भर्ती आई, 19 में भर्ती आई, भर्ती तो आई ना। जब आप कट ऑफ क्वालिफाई अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हो तो फिर आप नौकरी के हकदार ही नहीं हो। अगर इतना करने के बाद उसके साथ साथ यही नहीं, पीटी भी देने की जरूरत नहीं पड़ता है। जो जनरल छात्र होते हैं दिन रात दौड़ते हैं, बोरा उठा के दौड़ते हैं कि भैया मेरा एग्जाम निकल गया, फिर भी वो लोग संतुष्ट नहीं बैठते हैं, हमको पीटी देना है, पीटी क्वालिफाई करना है, उसके लिए वो लोग मेहनत करते हैं। पर एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट को क्या पीटी देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है, फिर भी लोग रोते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। अरे भैया इतना सारा सुविधा के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, आप जाओ SSC एग्जाम में बैठो, तब आपको पता चलेगा कितना कॉम्पिटिशन है। यहां तो आप -4 नंबर
नंबर माइनस दो नंबर जीरो नंबर पर मिला के आपका सिलेक्शन हो जा रहा ना, परंतु जब एसएससी के एग्जाम में बैठोगे तो 60 नंबर 70 नंबर लाने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इतना ज्यादा कंपटीशन एसएससी के एग्जाम में है। परंतु रेलवे अगर आप अप्रेंटिस किए हो तो यह बेनिफिट आपको देखने को देता है और देखने को मिलता है अप्रेंटिस में। फिर भी अगर आप बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हो तो भैया इसमें आपका फिर कुछ नहीं हो सकता। जो छात्र रेलवे से अप्रेंटिस करने के बाद अगर उनको मौका मिलता है ग्रुप डी एग्जाम देने का, अगर उसमें वो बेनिफिट नहीं उठा पा रहे तो भैया फिर उनके लिए जॉब बना ही नहीं है। मेरी बातें थोड़ी बुरी लगेगी, कड़वी लगेगी, पर जो सच्चाई है वही हम आपको बता रहे हैं यहां पे। हालांकि जीएम पावर के लिए सब प्रयास कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोल रहा है कि हम इसके ऊपर प्रतिक्रिया देंगे, परंतु वो कब तक आएगा इसके ऊपर कोई भी फिक्स डेडलाइन अभी तक नहीं आया है। परंतु देखिए साथियों, हम यही बोलेंगे कि अगर आप अप्रेंटिस कर लिए हो या फिर कर रहे हो, 2024 में अगर आपको मौका मिलेगा तो इस बार चूकना मत आप लोग। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि 30 नंबर जो है वो सभी साथियों के पास मिला है, सभी साथियों को 30 नंबर मिला है। अब आपको जो मेन स्कोर करना है वो सीबीटी में करना है ताकि वो नॉर्मलाइज होने के बाद सीधा सीधा आपका एग्जाम में ऐड हो जाए और आप लोग यहां पे क्वालिफाई हो जाओ, ठीक है। अगर प्रिपरेशन नहीं शुरू किए हो तो अभी भी समय है, प्रिपरेशन में अपना लग जाइए, खासकर अप्रेंटिस छात्र का। देखिए, हम ये नहीं बोलेंगे कि इस बार भी आपका माइनस चार नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, जीरो नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा या फिर पांच नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, हम ये अभी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इस बार 2019 के बाद सीधा 24 में भर्ती आ रहा, पांच साल के बाद भर्ती आ रहा, तो जाहिर सी बात है कि पांच साल में नंबर ऑफ सीसीए कैंडिडेट बढ़े हैं, बहुत ज्यादा सीसीए कैंडिडेट हो गए हैं, परंतु इतना भी ज्यादा नहीं कि जो ओपन मार्केट में जो जनरल छात्र जो फाइट करेंगे कंपटीशन होगा उतना सीसीए का कंपटीशन नहीं होगा। हाँ, कंपटीशन बढ़ा है ये बात मैं मानता हूं आप लोगों का, परंतु उतना भी नहीं बढ़ा है जितना आप लोग यहां पे हवा बना के रख दिए हो। मतलब सीसीए कैंडिडेट एक दूसरे को डराने का प्रयास कर रहे हैं, तो डरना नहीं है, तैयारी करिए। 30 नंबर आपको, 30 नंबर 32 नंबर 35 नंबर रेलवे आपको खुद दे दी है कि जाइए, आपको इतना नंबर एक्ट अप्रेंटिस के तौर पे मिल रहा है। इसके साथ साथ पीटी भी आपको देना नहीं पड़ता है, तो पीटी का भी आपको टेंशन नहीं है। 35 नंबर 30 नंबर मिल गया है उसका भी आपको टेंशन नहीं है, वहां से 30 नंबर मिलेगा। अरे 30 नहीं तो कम से कम 27-28 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा ना। अब आपको 28 नंबर मिल गया, अब आपको कितना नंबर चाहिए? अगर हम मानते हैं कि अनरिजर्व में 50 नंबर कट अप जाएगा तो यहां पे आपको कितना नंबर चाहिए? 22 नंबर और चाहिए। क्या 22 नंबर 30 नंबर 40 नंबर पढ़ के नहीं ला सकते हो? जाहिर सी बात है कि ला सकते हो, तो फिर किस बात का डर? अरे कट अप कितना भी चल जाएगा, सीसीए स्टूडेंट है तो इस बार आपका 24 में एक सीट पक्का हो जाएगा। और नंबर ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर बात हो रहा था ना, नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर बात हो रहा था कि कितना आएगा, ठीक है, तो इस बार ऐसा उम्मीद है कि लगभग 40,000 से ऊपर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, तो आपको 8,000 से 9,000 सीसीए का जो सीट है वो देखने को मिलेगा। तो तैयारी में लग जाइए, इधर उधर की बातों पर अगर ध्यान दीजिएगा तो फिर ऐसे ही सोचते रह जाइएगा और कुछ नहीं हो पाएगा और सिलेक्शन लेने वाले ले लेंगे, ठीक है। इन्हीं का देखिए कि 4 नंबर पे माइनस 4 नंबर आने के बाद यहां पे सिलेक्शन हुआ, तो 18 में भी लोग बोल रहे थे कि कुछ नहीं, 19 में भी लोग बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपनी तैयारी करते रहिए। और इस वीडियो के पीछे का यही मकसद था कि जो लोग बोलते हैं कि रेलवे अप्रेंटिस करके फायदा नहीं है, खासकर उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर आप लोग शेयर करिएगा और बताइएगा कि रेलवे अप्रेंटिस करने के बाद क्या बेनिफिट मिलता है, ठीक है। सबसे बड़ा तो पीटी में आपको बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद एनएससी का 1/3 लगेगा, प्लस यहाँ पे 2/3 भी लगता है। ये नहीं बोलूंगा कि 2/3 नहीं लगेगा, परंतु 2/3 से कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है। जो बात है, 1, 2, 4 नंबर का इफेक्ट पड़ेगा, उससे कोई ज्यादा नंबर का इफेक्ट पड़ता नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में जो सवाल होगा, जो डाउट होगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर मेंशन करिएगा। इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द हम एक्सपेक्टेड सीसीए कट ऑफ का वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे कि कितना प्रत्येक जोन में जाने की संभावना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।